नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ कंट्री में। भाई बहुत सारे लोग कुवैत से, सऊदी अरबिया से बैठे इंडिया में छुट्टी आके, और भाई इंडियन कुवैत और सऊदी अरबिया की तरफ से फ़्लाइटें आप सबको पता है बैन हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो लोग फिर जुगाड़ लगाते हैं कि हम कैसे पहुँचें। तो उनके माइंड में आता है कि चलो हम सऊदी, क्योंकि आपको पता है गल्फ कंट्रीज़ में दुबई से फ़्लाइट चालू हैं इंडिया के लिए, वीज़ा आपके पास कुवैत का वैलिड है, सऊदी का वैलिड है। तो आपको दिमाग में आता है कहीं ना कहीं आप एक काम करें, फिर अपन जाते हैं दुबई, दुबई से फिर हम चले जाते हैं कुवैत में या फिर सऊदी अरबिया में। ऐसे कुछ लोग गए भी हैं, नो डाउट ऐसे लोग गए हैं, मुझे भी पता है इन चीज़ों का, आपको भी पता होगा। लेकिन इसमें अभी का मैटर क्या है, टिकटों के भाव पता है आपको क्या चल रहे हैं? यानी नो चौके पे वो कहावत है ना कि नैले पे देला, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ये हो सकता है ना कि गरीबों को और ज़्यादा लूटने का एक तरीका, आपको टिकट का भाव सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। सऊदी अरबिया का भी मान सकते हैं, कुवैत का भी मान सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इंडिया से कुवैत जाएं, दुबई से इंडिया से दुबई और फिर कुवैत, या फिर इंडिया से दुबई और फिर सऊदी अरबिया, तो उनके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है, पूरी जानकारी हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पे पेज को फॉलो कर लें, ताकि आपको गल्फ कंट्री से रिलेटेड सही इंक्वायरी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इंडिया से आप दुबई आते हैं, नो डाउट टिकट आपको 8-10 हज़ार में मिल जाती है। फिर आपको यहाँ आते हैं, फिर आपको यहाँ रहना होता है, कोविड टेस्ट रिपोर्ट फिर आपको यहाँ करवाना होता है, क्योंकि जो आप इंडिया से लेके आओगे वो तो दुबई तक वैलिड है। दुबई में फिर आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, 180 दराम अदर कंट्री के लिए लगता है, लोकल यहाँ पर कोई कराता है तो 150 दराम ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्वारंटाइन रहोगे, फिर आपको जाओगे कुवैत। तो कुवैत इतने दिन तो ठीक था, लेकिन अभी पता है कुवैत की सिर्फ 3 फ्लाइटें चलती हैं। कहाँ के लिए? दुबई से कुवैत के लिए 3 फ्लाइटें चल रही हैं। तो टिकटों का भाव पहले अगर नॉर्मली देखा जाता तो 60 दिनार, 60 कुवैती दिनार से लेके 100 कुवैती दिनार तक हुआ करता था, यानी 14,000 15,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको दुबई से कुवैत के लिए टिकट मिल जाया करती थी, ठीक है। और अभी अगर उधर कुवैत से आप दुबई आना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको टिकट 200-250 दिनार में मिल जाती है, यानी कितना पैसा बन सकता है आप समझ सकते हैं, 70-80 हज़ार के करीब टिकट का पैसा लग रहा है। लेकिन वही टिकट अगर आप दुबई से कुवैत के लिए जा रहे हो तो मेरे भाई लगभग 700-650 से 750 के बीच में टिकट आ रही है, यानी 1.5 लाख रुपये से लेके 2 लाख रुपये के बीच में टिकट आ रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बातें इसमें लिखी हुई हैं, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। प्रति व्यक्ति टिकट दुबई से कुवैत का 650 KD से लेके 750 KD, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 240, क्योंकि 1 KD का इंडियन करेंसी में 240 के समथिंग अभी भाव चल रहा है, तो मैंने कैलकुलेट किया तो लगभग 750 KD इंटू 240 करें तो 1,80,000 रुपये की टिकट आ रही है। इसमें थोड़ा कम कर लें तो 1.5 लाख से लेके, मैं बता दूं, 2 लाख के करीब टिकट महंगी पड़, कितना महंगी पड़ेगी आपको लगता है कि आप इतनी टिकट अफोर्ड कर पाओगे? फिर ये तो दुबई से है, फिर आप दुबई, इंडिया से दुबई आ रहे हैं, दुबई का वीज़ा चाहिए, फिर यहाँ से आपको वहाँ जाना है, मतलब कितना महंगा पड़ सकता है। ये स्थिति कुवैत की भी है भाई, ये स्थिति सऊदी अरबिया की भी है। सऊदी अरबिया भी जाने के लिए अभी लोग बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपये अगर आपके पास होंगे तो आप सऊदी अरबिया पहुँचोगे, वो भी वीज़ा आपके पास होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या आप लगता है कि एक गरीब आदमी 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए 2 लाख रुपये खर्च कर देगा सिर्फ पहुँचने पहुँचने के? और वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप वहाँ पर जाके जॉब लग जाओगे, टाइम टू टाइम आपको सैलरी मिलती रहेगी, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है। इससे तो बढ़िया भाई इतनी बड़ी रिस्क न लें, थोड़ा वेट कर लें यार, वीज़ा ही दूसरा मिल जाएगा इतने पैसों में। तो आपको जब अगर सिस्टम दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा तो ये तय बात है कि कंपनियों को वर्करों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वीज़ा तो फिर भी ले सकते हो। हो सकता है सरकार इसी वीज़ा को रिन्यू कर दे, रिन्यू तो करेगी, क्योंकि सरकार को भी आप लोगों की ज़रूरत है। ये मत समझना कि सऊदी में कुवैत में वो लोकल आदमी वहाँ कंपनियों में जॉब कर लेंगे, कोई नहीं करेगा। यहाँ मैं दुबई में देख रहा हूँ, एक भी आज 18 दिन में एक भी लोकल आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया, सब इंडियन पाकिस्तानी घूम रहे हैं यहाँ पे। अगर इन लोगों की जितनी आपको ज़रूरत है ना, उतनी इन लोगों को भी ज़रूरत है आपकी, ये दिमाग में रखें हमेशा। दुबई है, दुबई ने टिकट क्या फ़्लाइट आपके लिए स्टार्ट किया? नहीं, रॉन्ग, ये अपने लिए उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि दुबई एक टूरिज्म हब है, इनको इनकम चाहिए। और एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कि दुबई यहाँ पे किस तरह से ये चाहता है कि यहाँ का पैसा यहीं रुक जाए, वो डिटेल से हम बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ दुबई में देख रहा हूँ, हर चीज़ गौर से देखना होता है कि किस तरह से ये फंडा लेके आ रही है दुबई सरकार की, लोगों को पता ही नहीं लगता कि अपने साथ क्या हो रहा है। तो बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई इतना खर्च करके न जाएँ, कल को पता लगे कि मुर्गी से महंगा मसाला पड़ गया, समझ रहे हो बात को? बस ये जानकारी देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।